वो ब्लशअप। तो डे और नाइट हम हमेशा जब भी अपने आप को रेडी करते हैं दो डिफरेंट ओकेजन के लिए रेडी करते हैं। डे में हम ज्यादातर क्या करते हैं, होम मीटिंग्स, हम कोई प्रोस्पेक्टिंग के लिए पार्क में इवेंट कर रहे हैं, कभी आप हेल्थ कैंप लगा रहे हैं तो कभी आप ब्यूटी कैंप लगा रहे हैं। तो ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ हम एक्टिविटीज करते हैं जहां अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में आपका फुल डे आपकी स्किन में वो फ्रेशनेस मेंटेन करता है आपका ब्लशर, जिसमें आपको दो डिफरेंट वेरियंट्स मिल रहे हैं, वन इज मैट एंड ग्लो इफेक्ट। तो डे में हम मैट फिनिश यूज करेंगे क्योंकि पसीना बहुत आता है, स्किन ऑयल से क्रिएट करती है और ऐसे में आपकी स्किन पैची हो सकती है, और हम एक शाइन फ्री स्किन मेंटेन करते हैं डे टाइम में। जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारी प्रेफरेंस जितनी भी मेकअप प्रोडक्ट की होती है वो हम चाहते हैं मैट मेकअप, जैसे आपकी मैट लिपस्टिक, जैसे कि आपका मैट आई लाइनर या आपका आई वुड से मैट वी यूज पाउडर to mattify your skin, वैसे ही आपका matte blusher, जिससे कि आपको shine ना मिले और आपका makeup जो है soft and subtle दिखे। And वैसे ही night की जब बात आती है, आपका पूरा attire change हो जाता है, आपका पूरा look change हो जाता है, you want more glittery, थोड़े जो कहते हैं ना metallic look आ जाती है, embroideries होते हैं dresses में। अब ऐसे look के साथ अगर मैं matte makeup करके जाऊंगी definitely अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें glitters, थोड़ी सी shine ऐड करते हुए आपको मिलता है ये ग्लो डुओ ब्लशर। तो ये दो ब्लशर शेड्स डिफरेंट कलर्स हैं, वन इज पीच वन इज पिंक। अब ये हर स्किन टोन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। तो अगर आपका अंडरटोन वार्म स्किन है, जैसे कि ये कैसे पता चलता है हमें, हमारी वेन्स जो अगर आपका ग्रीन कलर का वेन है, वेन कलर है, तो डेफिनेटली आपका जो अंडरटोन है दैट्स वार्म। सो वार्म स्किन के लिए हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप यूज कोई भी शेड कर सकते हैं, लेकिन एक जब मेकअप की परफेक्शन की बात आती है तो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारा अंडरटोन, कि क्या वो मेरे अंडरटोन के साथ मैच कर रहा है या नहीं। और आप कलर्स के साथ प्ले कर रहे हो तो पीच कलर इज वेरी गुड, रोज कलर जो पिंक शेड है दैट इज वेरी गुड फॉर स्कूल अंडरटोन। तो जो इनका थोड़ा सा पिंकिश लुक होता है, जो थोड़े वेफेरर साइड होते हैं, वो पीच ऑरेंज बहुत ज्यादा डार्क लगता है, तो वहां पे आप रोज दे सकते हैं। सो दीज टू वेरिएंट कलर्स वी हैव। ब्लशर एक एसेंशियल मेकअप है जो आपके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब कि अभी जैसे देखिए आप मेकअप करते हैं लेकिन फिर भी कई बार डलनेस होती है चेहरे पे, आपके फेस की शेप बहुत फ्लैट होती है, इसमें आपको एक हल्की सी फीचर एनहांसमेंट और आपके ओवरऑल ग्लो को एनहांस करता है ब्लशर। सो ब्लशर में इसके जो यूएसपीज की बात करें, ये एक एडवांस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के साथ है जो ब्लर इम्परफेक्शंस होती है हमारे फेस के उसको ब्लर अवे करते हैं और एक रेडियंस आपके स्किन में ऐड करते हैं। वर्सेटाइल प्रोडक्ट है डे एंड नाइट में लुक के लिए, लाइट वेट फॉर्मूला के साथ है, कवरेज बिल्डेबल है, नेचुरल टेंट है इसमें एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड इन इटली, पैराबेन फ्री है, 100% वेजिटेरियन है और ये क्रूल्टी फ्री है। तो ये प्रोडक्ट वर्सेटाइल है जिसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना मेकअप कैरी कर सकते हैं। ये स्पेशल यूएसपी थी जिसके बारे में हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। एंड अब बात करते हैं कि किस फेस पे कैसा ब्लशर का लुक होना चाहिए। तो हर फेस शेप पे एक जैसा ब्लशर एप्लीकेशन हम नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत आपके फेस को चेंज कर सकते हैं। तो छोटे 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 जो टाइनी स्टेप्स या जो मिनिमल कलर्स भी अगर आप ऐड करते हैं वो आपके पूरे डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं आपके फेस के। तो लॉन्ग फेस है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी एपल ऑफ योर चीक्स एंड ब्लेंड टूवर्ड्स द ईयर। अब एपल ऑफ द चीक्स क्या है, ये पार्ट जहाँ जब आप स्माइल करते हैं हल्की सी बबली बनती है, ये ग्लबी गाल, देन यहाँ से आपको टिल ईयर जाना है। अगर आपका फेस शेप लेट्स से है हार्ट शेप, देन आपको ऐसे सी शेप बनाना है, हल्का सा आपको कर्व देते हुए आपको टिल ईयर लेके जाना है। एंड सबसे बेस्ट है आइडियल ओवल शेप जिसमें आप एपल ऑफ योर चीक से स्टार्ट करते हुए अपवर्ड टूवर्ड्स टेम्पल्स लेकर जाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करी हूँ हल्का हल्का स्टार्ट करते हुए, जिससे कि हल्की सी स्कल्प लुक भी आती है स्किन में। स्क्वायर शेप अगर है आपका तो ब्लश अक्रॉस द एपल ऑफ योर चीक से शुरू करते हुए एंगल ऑफ द फेस आप लेके जा रहे हैं हल्का सा आगे की तरफ। एंड देन आपका राउंड शेप सबसे हैवी फेस जो दिखता है हमें अक्सर, तो इस हैवी फेस में आप डेफिनेशन देने के लिए चीक बोन्स एंड अपवर्ड टुवर्ड्स द टेम्पल्स यूज करेंगे। तो ये एक तरीका हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैसे रॉन्ग ब्लशर, कई बार हम बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, आपका जो ब्लशर का ब्रश होता है वो कई बार हम बहुत गलत यूज करते हैं। कई बार हम ब्रश गलत चूज कर लेते हैं, हैवी ब्रिसल्स होते हैं जिन ब्रश के, तो पूरा जो पाउडर है वो फेस पर लग जाता है और ये पाउडर ब्लश है।
तो हमें ध्यान रखना है ब्रश चूज करते वक्त कि ये हमें डायरेक्ट फेस पर ही लगाना है, हल्का हल्का लगाना है। इसके लिए हम लाइट ब्रिसल्स वाला ब्रश चूज करें और इसको ड्रैग नहीं करना है राउंड राउंड, यही मिस्टेक हम कई बार करते हैं, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है, तभी ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और चलिए दोस्तों जान लेते हैं हम इसके कितना बेनिफिट ये हमें दे रहा है। तो जो इसका MRP है वो है 1150 रुपये, DP इसका है 1000 रुपये, और BV है इसका 600, और PV है इसका 22.22। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये डेली यूज प्रोडक्ट है, आप इसको रोज यूज कर सकते हो, रोज यूज करने के बाद भी ये जल्दी से खत्म नहीं होगा, अच्छे से यूज कर सकते हो इसको, एटलीस्ट जितनी इसकी शेल्फ लाइफ है उतना आप इसको यूज कर सकते हो। सुबह शाम आजकल ये जो ब्लश है ये ट्रेंड में है, इस वेदर में फेस डल हो जाता है, पेल लुक देता है, तो ऐसे में आपको अपने लिए ब्लशर जरूर चूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच।